नमस्ते स्टूडेंट्स, आई एम जेवियन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शलाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ नोज। तो फिजियोलॉजी ऑफ नोज से हम समझते हैं कि क्या उसका नोज का क्या फंक्शंस है, कैसे वर्क करता है। तो फंक्शंस, सिक्स फंक्शंस हम बेसिकली इसमें डिफाइन करेंगे। फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, सेकेंड इज एयर कंडीशनिंग ऑफ इंस्पायर्ड एयर, थर्ड वन इज प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयरवे, फोर्थ इज वोकल रेजोनेंस, फिफ्थ इज नेजल रिफ्लेक्स फंक्शंस एंड सिक्स्थ इज ओल्फैक्शन। सबसे हम पहले पढ़ेंगे ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन। ठीक है, तो नोज क्या है, हमारी ब्रीथिंग का नेचुरल पाथवे है। ठीक है, और माउथ ब्रीथिंग हमारी एक्वायर्ड होती है थ्रू लर्निंग। ठीक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, नोज से ब्रीथ करते हैं और माउथ ब्रीथिंग हम धीरे धीरे सीखते हैं, एक्वायर करते हैं। तो न्यू बॉर्न इन्फेंट्स होते हैं, अगर उनमें क्वेनल एट्रेजिया होता है, जो नेजल कैविटी का जो नेजोफेरिंक्स में अगर ओपनिंग है वो अगर बंद है, तो उसकी वजह से क्या होता है, न्यू बॉर्न एस्फेक्सिएट कर सकते हैं, उनकी डेथ हो सकती है। इसलिए अर्जेंट मेजर्स लिए जाते हैं उसको रिलीव करने के लिए। नोज हमारे ब्रीथिंग को परमिट करती है और ईटिंग को भी परमिट करती है, ताकि हमारी ब्रीथिंग और ईटिंग साइमल्टेनियसली चलती रहे। ठीक है, स्पायर्ड एयर के पास करती है ऊपर की तरफ नैरो स्ट्रीम में, मीडियल टू द मिडिल टर्बिनेट, फिर वो डाउनवर्ड्स आती है, नीचे की तरफ आती है और बैकवर्ड्स आती है इन द फॉर्म ऑफ एन आर्च। ठीक है, तो ये जो रेस्पिरेटरी करंट्स होते हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं टू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द नेजल कैविटी। तो ये आपको दिखाई दे रहा है, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन क्या होगा, जो एयर करंट्स हैं वो फॉलो करते हैं सेम कोर्स को एज इंस्पायरेशन, लेकिन जो एंटायर करंट है वो एक्सपेल होता है डायरेक्टली थ्रू द नेयर्स। ठीक है, तो जो हमारे लाइमन नेसाई है वहाँ पे फ्रिक्शन होगा, उसकी वजह से क्या होता है, जो ये हमारे एयर करंट है ये एडीज में कन्वर्ट हो जाते हैं अंडर द कवर ऑफ इन्फीरियर मिडिल टर्बिनेट, और ये वेंटिलेट करते हैं साइनसिस को थ्रू द ऑस्टिया। ठीक है, अपर वाली इमेज में आपको दिखाई दे रहा है कि इंस्पिरेशन के टाइम पे एयर करंट्स कैसे होते हैं, जो एयर करंट है पास करेंगे अलोंग द मिड पोर्शन ऑफ द नेजल कैविटी इन द लैबिनर फ्लो। ठीक है, नीचे वाली इमेज में दिखाई दे रहा है आपको एक्सपिरेशन के टाइम पे एयर करंट्स कैसे होंगे, इसमें दिखाई दे रहा है कि नेजल वॉल्व है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी, टर्बिनेट्स हैं वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, इसकी वजह से एडी करंट्स होते हैं इन द एक्सपायर्ड एयर। ठीक है, इसमें आपको क्लियर दिखाई दे रहा है किस तरह से एयर करंट्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेजल साइकिल पे। ठीक है, जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है उसके अंडर हमारा नेजल म्यूकोजा में रिदमिक साइक्लिक कंजेशन होता है, डिकंजेशन होता है, इस तरह से वो एयर फ्लो को कंट्रोल करते हैं थ्रू द नेजल चैम्बर्स। जब एक नेजल चैम्बर काम कर रहा होता है तो टोटल नेजल रेस्पिरेशन इक्वल होती है टू द बोथ नेजल चैम्बर्स इज कैरिड आउट बाय इट। ठीक है, जो साइकिल होती है वो कितने घंटे चलती है, 2 से 12 घंटे चलती है, एवरेज 2.5 से 4 घंटे तक चलती है। इस तरह से नेजल, जैसे हमारे टिक टॉक, पहले एक नेजल कैविटी वर्क करती है फिर दूसरी नेजल कैविटी वर्क करती है। सेकेंड वन इज द एयर कंडीशनिंग ऑफ द इंस्पायर्ड एयर, सेकेंड फंक्शन है। नोज को बोलते हैं लंग्स का एयर कंडीशनर, जैसे एयर कंडीशनर हम घर में लगाते हैं, क्या करते हैं, एयर को फिल्टर करता है, प्योरीफाई करता है और उसके टेम्परेचर को मेंटेन करता है, उसी तरीके से हमारे नोज भी क्या करते हैं, इंस्पायर्ड एयर को फिल्टर करते हैं, प्योरीफाई करते हैं और उसको टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को एडजस्ट करते हैं, ताकि वो लंग्स में जाने से पहले उनका टेम्परेचर मेंटेन हो सके। फिल्ट्रेशन एंड प्योरीफिकेशन जो हमारे नेजल विब्रेस से होते हैं, जो हमारे नोज की एंट्रेंस पे जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं वो एक्ट एज अ फिल्टर की तरह काम करते हैं, और जो लार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करने का काम करते हैं, जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो म्यूकस से अडहेर हो जाते हैं। तो जो फ्रंट ऑफ नोज है हमारा वो अप टू 3 माइक्रोमीटर पार्टिकल तक फिल्टर कर सकता है, और जो नेजल म्यूकोसा होती है वो 0.5 to 3 माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल्स को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, जो टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है इंस्पायर्ड एयर का, वो रेगुलेट होता है नेजल म्यूकोसा के सरफेस से। ठीक है, पर्टिकुलर जो मिडिल और इन्फीरियर टर्बिनेट का रीजन होता है उससे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, और जो एडजेसेंट पार्ट होते हैं सेप्टम का वो भी टेम्परेचर कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है,
इस तरह से एक एफिशिएंट रेडिएटर मैकेनिज्म बनता है जो कि कोल्ड एयर को वार्म करने का काम करता है। जो इंस्पायर्ड एयर होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है या फिर 0 डिग्री सेल्सियस पे हो सकती है, इवन सब जीरो टेम्परेचर पे हो सकती है। ठीक है, तो उसको हीट करते हैं और उसको हीट करके नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे लाया जाता है इन 1/4 सेकेंड। ठीक है, इसको बोलते हैं रेडिएटर मैकेनिज्म। सिमिलरली जो हॉट एयर होती है उसको भी कूल करके बॉडी टेम्परेचर तक लाया जाता है। तो ये हमारे टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। सेकेंड इसमें आते हैं ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन जो एटमोस्फेरिक एयर की होती है वो वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। नेसल म्यूकोसा क्या करता है, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है इंस्पायर्ड एयर को उसको एडजस्ट कर देता है टू द 75% और मोर। ठीक है, मॉइस्चर हमारी जो सिलियरी एपिथीलियम है उसके फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए ह्यूमिडिफाई करने का काम इसमें ये फंक्शनिंग में हेल्प करता है। ह्यूमिडिफिकेशन की वजह से जो गैस एक्सचेंज होता है लोअर एयर में उस पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जो थर्ड फंक्शन ऑफ नोज इज द प्रोटेक्शन ऑफ लोअर एयर वे। उसमें तीन चीज़ें आती हैं। फर्स्ट वन इज म्यूकोसिलियरी मैकेनिज्म, सेकेंड इज एंजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स, थर्ड वन इज स्नीजिंग। ठीक है, तो म्यूकोसिलियरी ब्लैंकेट इसमें आप देख सकते हैं इस इमेज में जो गॉबलेट सेल्स होती हैं नेजल म्यूकोसा में वो म्यूकस ब्लैंकेट बना लेती है एक तरह से, जो बैकवर्ड मूव करता है जैसे कन्वेयर बेल्ट मूव करती है उस तरह से वो पीछे की तरफ मूव करता है नेसोफेरिंक्स में। ठीक है, इसमें दो लेयर्स होती हैं मेनली, एक सुपरफिशियल लेयर होती है, डीप लेयर होती है। सुपरफिशियल लेयर को जेल लेयर बोलते हैं और डीप लेयर को, डीप सीरस लेयर को सोल लेयर बोलते हैं। तो जैसे कन्वेयर बेल्ट मूव करते हैं उसकी तरह से ये बैकवर्ड मूव करता है इनटू द नेसोफेरिंक्स। ठीक है, ये इसमें दिखाया है किस तरह से ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रैप्ड मटेरियल्स पार्टिकल्स कैसे नेसोफेरिंक्स में जाते हैं। ठीक है, फैक्टर्स कॉम्प्रोमाइजिंग ना म्यूकोसिलियरी फंक्शंस। ठीक है, किन फैक्टर्स से हमारे म्यूकोसिलियरी फंक्शन है वो अफेक्ट होता है, ठीक से प्रॉपर काम नहीं कर पाता। ड्राई एटमोसफियर अगर है तो ये फंक्शनिंग ठीक से नहीं होगी। स्मोकिंग अगर पेशेंट करता है, या एयर पॉल्यूटेंट्स एंड नेजल इरिटेंट्स ज़्यादा हैं एनवायरमेंट में, या कोई इन्फेक्शन है, या उसका एक्सेसिव समर है, या एक्सेसिव कोल्ड है, हाइपोक्सिया है, या कुछ ड्रग्स हैं उनसे भी फंक्शनिंग अफेक्ट होती है, लाइक एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव्स, टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट्स एंड बीटा ब्लॉकर्स। नेक्स्ट है इसमें एंजाइम्स एंड इम्यूनोग्लोबिन्स। ठीक है, जो नेजल सिक्रीशंस होता है उसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं म्यूरामिडेज या लाइसोजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया वायरसेस को किल करते हैं। ठीक है, इम्यूनोग्लोबिन्स IgE, IgE और इंटरफेरॉन भी प्रेजेंट होते हैं हमारे नेजल सेक्रेशंस में, और ये हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, थर्ड इसमें था स्नीजिंग। स्नीजिंग भी एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जो हमारे नेजल म्यूकोसा में कोई फॉरेन पार्टिकल जाता है तो वो उसको इरिटेट करता है, उसको हम स्नीजिंग की हेल्प से एक्सपेल कर पाते हैं। ठीक है, और जो हमारे नेजल सेक्रेशंस है उसका फ्लो बढ़ जाता है, उसको फ्लो की वजह से भी क्या होता है जो हमारे नॉक्सियस सब्सटेंस है वो वॉश आउट हो जाता है। ठीक है, सिक्स फंक्शन जो लास्ट फंक्शन था हमारे नोज का वो था वोकल रेजोनेंस। जो नोज होती है नॉर्मली एक रेजोनेटिंग चैम्बर की तरह करती है कुछ कॉन्सोनेंट्स के लिए। जो फोनेटिक नेजल कॉन्सोनेंट्स होते हैं माइनिंग तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होते हैं फ्रॉम द नेसोफेरिंक्स इस्थमस और वो एमिट होती है नोज से। ठीक है, जब नोज ब्लॉक हो जाता है तो ये स्पीच कैसा हो जाता है, डीनेजल हो जाता है। ठीक है, तो वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। ठीक है, से म न ग है तो ये बन जाएगा ब द ग, तो इस तरह से वर्ड्स चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारे नेजल साउंड आनी थी उसमें से नेजल साउंड नहीं आएगी, वो डी नेजल कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो दीज आर द सिक्स फंक्शंस ऑफ द नोज या फिजियोलॉजी ऑफ नोज। एंड दिस सेशन इज पावर्ड बाय द डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। एंड होप यू आर सेटिस्फाइड माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मैंशन इन कॉमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।